हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ एक स्पेशल क्लास लेके आपके सामने, वो क्लास होने वाली है मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू। वो सभी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मेंशन करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे शानदार क्लास होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष हमारा जारी है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा क्या, द डक्स विच कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू कैप्यूट एपिडर्मिस आर, मींस क्या कहना चाह रहा है, वह नलिका जो शुक्राणुओं को वर्षण से कैपट या अधिवर्षण तक ले जाती है वह क्या कहलाती है। तो याद रहे टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म कौन बनाएगा, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूबल्स के द्वारा बनेंगे, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूबल्स मीन्स सेमनीफेरस ट्यूबल्स प्रजेंट इन टेस्टिस, वो टेस्टिस के अंदर प्रजेंट होता है। तो अब टेस्टिस से वो एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण में जाएगा, तो अधिवर्षण में जाएगा तो कौन सी नली से जाएगा, तो क्या वो वासा इफ्रेंसिया से जाएगा, क्या वो वास डिफ्रेंस से जाएगा, क्या वो यूट्रस से जाएगा, क्या वो बिडर्स कैनाल से जाएगा। तो कहाँ से होते हुए जाएगा मीन्स उस नली का नाम हमें बताना है, उस नली का नाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, देखो वाश डिफरेंस इसका आंसर नहीं होने वाला है, वाश डिफरेंस इसका आंसर नहीं होने वाला है, मूत्रवाही का इसका आंसर नहीं होने वाला है, बिडर्स कैनाल नहीं होने वाला है। याद रहे कि वासा इफ्रेंसिया होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र अपवाहिका, यहाँ पे वाहिका लिखा हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र अपवाहिका, शुक्र अपवाहिका, शुक्र अपवाहिका से या वासा इफ्रेंसिया से वो अधिवर्षण तक जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कौन सा, ए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मीन्स क्वेश्चन यही बोला कि वह नलिका जो शुक्राणुओं को वर्षण से टेस्ट अधिवर्षण तक ले जाती है, तो याद रखना उसके बीच में एक होता है वासा फ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र अपवाहिका, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई, मतलब टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, किससे सिक्रेट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है, किससे स्रावित किया जाता है, कहाँ से स्रावित किया जाता है, क्या मास्ट सेल से सिक्रेट किया जाता है, नहीं, क्या सर्टोली सेल से सिक्रेट किया जाता है, नहीं, सर्टोली सेल से क्या बनता है, सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन बनेगा, सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन बनेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल, जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म को न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम करेगी। दूसरा, सर्टोली सेल से प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है कूफर सेल, कूफर सेल से भी नहीं बनेगा। सर कूफर सेल कहाँ पे होती हैं, कूफर सेल ये लीवर में प्रजेंट होती हैं, कूफर सेल लीवर में पाई जाती हैं और लीवर में ये मैक्रोफेजेज का काम करती हैं, किसका काम करेंगी, ये मैक्रोफेजेज का काम करेंगी, मैक्रोफेजेज का काम करेंगी, मैक्रोफेजेज का काम करती हैं कूफर सेल, ठीक है, या भक्षण करती हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है चौथा, लीडिंग सेल। तो याद रहे लीडिंग सेल किसका प्रोडक्शन करती है, लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है या श्रावण करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल से बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इन टेस्टिस आर नोन एज, मीन्स पहला प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन होगा जो स्पर्मेटोसाइट्स इन द टेस्टिस टेस्टिस में होगा उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में देखते हैं इसको, वर्षण में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के प्रथम विभाजन के उत्पाद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो याद रहे इसमें क्या स्पर्मेटिड बोलेंगे, स्पर्मेटिड नहीं बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी नहीं बोलेंगे। इसमें बोला है कि वर्षण में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के प्रथम परिवर्तन विभाजन के उत्पाद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रथम उत्पाद से क्या होता है, प्रथम से तो द्वितीय होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रहे कि इसमें दे रखा है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है, तो प्राइमरी में डिवीजन होके तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रहे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वर्षण में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के प्रथम परिवर्तन विभाजन के बाद, मतलब प्रथम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के परिवर्तन के विभाजन के बाद वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है द्वितीयक शुक्राणु या फिर बोलते हैं उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा डिवीजन में से मियोसिस, माइटोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर्म 400 स्पर्मेटोसाइट। इन्होंने ये बोला कि हाउ मैनी, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत होगी, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत होगी क्या बनाने में, ये 400 स्पर्मेटोजोआ बनाने में कितने की जरूरत होगी, तो हिंदी में पढ़ते हैं 400 शुक्राणु के निर्माण हेतु कितनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है। तो याद रहे वहाँ पे दो से कितने बनते हैं, चार बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो होते हैं और उनसे जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो कितने बनते हैं, चार। तो याद रहे एक से दो बने, दो से चार बने, मीन्स याद रहे 400 के लिए कितना चाहिए, 200 चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि 400 शुक्राणु के निर्माण के लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 200 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म अकर इन इट्स शुक्राणु में सूत्र कणिकाएं किस भाग में पाई जाती हैं, मीन्स इन्होंने ये बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के कौन से भाग में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के कौन से भाग में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें समथिंग डायग्राम, ये होता है स्पर्म का, ये स्पर्म का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं, इसको हेड पार्ट बोलेंगे, इसको मिडिल पार्ट बोलेंगे और इसको टेल पार्ट बोलेंगे, इसको मिडिल पार्ट और इसको टेल पार्ट। तो कौन सा पार्ट, मतलब इस स्पर्म में या शुक्राणु में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो याद रहे यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया बीच वाले पार्ट में, मतलब मिड वाले पार्ट में, तो मिड वाला कौन सा ऑप्शन है, मिडिल पीस, सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। याद रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि स्पर्म के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है इसको, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को गति प्रदान करता है, इसको ऊर्जा देता है, ठीक है, पावर देता है, तो
तो इसमें प्रजेंट होता है तो कौन से पार्ट में होता है, मध्य पार्ट में, मध्य भाग में होता है, जिसको हम मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल इन द मेल गोनेड्स प्रजेंट हैप्लोइड सेल। याद रहे, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, नर जननांगों में निम्न में से कौन सा कोशिकीय का समूह अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है। देखो, द्विगुणित होता है उसको हम 2N बोलते हैं, ठीक है, सिंगल N होता है उसको अगुणित बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं इसको द्विगुणित बोलते हैं, ठीक है, 2N द्विगुणित होता है, N अगुणित होता है, इसको हम डिप्लोइड बोलते हैं, इसको हम डिप्लोइड बोलते हैं और इसको हैप्लोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लोइड बोलते हैं। याद रहे, हैप्लोइड बोलते हैं इसको, अगुणित, अगुणित का मतलब N, और यहाँ पे डिप्लोइड द्विगुणित और 2N बोलते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कोशिकाओं का समूह अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है? अगुणित कौन सी है? इसमें N कोशिका कौन सी है? बात यह है, इन सभी में N कौन सी है? N का मतलब 23, 2N का मतलब क्या होगा? 2N का मतलब होगा 46। क्लियर, तो यहाँ पे ये संख्या किसमें प्रजेंट है? क्या स्पर्मेटोगोनिया में? नहीं, इसमें तो क्या होता है, 2N होता है। प्राइमरी स्पर्मेटो, इसमें भी 2N होता है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इसमें भी 2N होता है। क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, इसमें होता है N, जिसको हैप्लोइड बोलेंगे, इसमें प्रजेंट होता है। तो हमारा आंसर कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फोर पॉइंट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में N संख्या होती है जिसको 23 बोलते हैं, हैप्लोइड बोलते हैं, प्रजेंट होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट टेक्स प्लेस इन द। याद रहे, इसमें सिंपल क्वेश्चन ये पूछा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, किस किस का फर्टिलाइजेशन किसका होगा? आप सभी को पता है, एक ओवम है और एक स्पर्म है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का मिलन होता है, या फिर बोल सकते हैं दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम जायगोट बनाते हैं। तो इनका जो मिलन है वो कहाँ पे होता है, फ्यूजन कहाँ पे होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या फिर अंडाणु और शुक्राणु का, बोल सकता हूँ क्या, अंडाणु और दूसरा होता है शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ पे होगा, फ्यूजन कहाँ पे होगा? तो याद रहे, दोनों का फ्यूजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने बना दिया यूट्रस, ये हमने बना दिया यूट्रस, और ये हमने बना दी फैलोपियन ट्यूब। तो याद रहे, फैलोपियन ट्यूब का ये जो एम्पुला पार्ट होता है, मैं राउंड शेप में ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ, ये होता है कौन सा पार्ट? ये एम्पुला पार्ट होता है। देखो, ये तो यूट्रस हो गया, ये फंडस ऑफ यूट्रस हो गया, ठीक है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस हुआ, यहाँ पे सर्विक्स होगी, ठीक है, ये फिम्ब्रियाई होंगी। तो यहाँ पे ये जो राउंड शेप में जो पार्ट होता है, राउंड शेप में जो पार्ट है इस राउंड शेप को क्या नाम देते हैं? एम्पुला। क्या नाम देते हैं? एम्पुला। तो याद रहे कि सर, एम्पुला किसका? एम्पुला जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है, किसका? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट होता है। क्या होता है? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट होता है। तो याद रहे कि नर शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु का निषेचन मादा के जनन मार्ग के किस क्षेत्र में होता है? तो याद रहे, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट? एम्पुला पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी यहाँ पे कहीं पे भी देखो, यूट्रस यूट्रस में नहीं होता,
ओवरी में नहीं होता, ओवरी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है या फिर रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। ओवरी में बनता है मतलब प्रोडक्शन होता है इनका। वेजाइना में ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म का। ओविडक्ट, ओविडक्ट किसका नाम है? ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ओविडक्ट में होता है। हमें तो ये भी पता है कि ओविडक्ट के कौन से पार्ट में होता है? ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में होता है, हमें तो ये भी पता है। मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट होने वाला है फोर्थ ऑप्शन ओविडक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ओविडक्ट। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होगा? अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होगा, मतलब ओविडक्ट में होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सभी को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज होती हैं, तो उन फेज में कौन सी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं है? नीचे से देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ईस्ट्रोजन फेज। तो कौन सी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज यहाँ पे गलत लग रही है, मतलब नहीं है? तो यहाँ पे याद रहे ईस्ट्रोजन फेज कोई भी ऐसी फेज नहीं होती। ईस्ट्रोजन फेज कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई फेज नहीं होती। ल्यूटियल फेज होती है, फोलिकुलर फेज होगी, मेंस्ट्रुअल फेज होगी, लेकिन याद रहे ईस्ट्रोजन फेज कोई भी फेज नहीं होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है कि ईस्ट्रोजन फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ईस्ट्रोजन कोई भी फेज नहीं होता। तो ईस्ट्रोजन फेज यहाँ पे गलत ऑप्शन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा कि ये नहीं होता है। क्लियर? इन्होंने यही तो पूछा कि प्रावस्था नहीं है, तो प्रावस्था कौन सी नहीं है? ईस्ट्रोजन फेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। इसने बोला है कि कैस्ट्रेशन किसको कहते हैं? कैस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, कैस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है। क्या होता है कैस्ट्रेशन में? तो आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ ओवरी ये भी नहीं होगा, रिमूवल ऑफ बोथ टेस्टिस यस, रिमूवल ऑफ पेनिस नहीं, रिमूवल ऑफ वॉश डिफरेंस नहीं। याद रहे मैंने बोला था कि दोनों टेस्टिस को, यदि दोनों टेस्टिस को हटाते हैं, दोनों टेस्टिस को हटाते हैं या फिर दोनों वर्षण को हटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं। या तो हम कैस्ट्रेशन बोल सकते हैं या फिर ओरकाइडेक्टोमी बोल सकते हैं, ओरकाइडेक्टोमी बोल सकते हैं। याद रहे दोनों टेस्टिस को, दोनों वर्षण को हटा देना, ये नर की बात चल रही है, ये मेल की बात चल रही है, और मेल में वर्षण होते हैं, और दोनों वर्षण को यदि हटा देते हैं तो उसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं या फिर ओरकाइडेक्टोमी बोलते हैं। दोनों ऑप्शन में यदि रहते हैं तो दोनों ही बेस्ट हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होने वाला है? रिमूवल ऑफ बोथ टेस्टिस, वर्षण को हटाना, मतलब दोनों वर्षण को हटा देना, दोनों वर्षण को हटा देना, दैट इज नोन एज कैस्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं ओरकाइडेक्टोमी। क्लियर? इसको बोल सकते हैं ओरकाइडेक्टोमी। क्लियर? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। आप सभी ने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा 2023 में RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसको फोकस करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, मादाओं में अंडोत्सर्ग किसके द्वारा नियंत्रण होता है? याद रहे अंडोत्सर्ग होता है या फिर जिसको ओवुलेशन बोलते हैं, सभी जानते हैं ओवुलेशन क्या होता है। अंडोत्सर्ग को ओवुलेशन बोलते हैं, या तो अंडोत्सर्ग बोल सकते हैं या ओवुलेशन बोल सकते हैं। ओवुलेशन कितने, कौन से दिन पे होता है?
14 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा मतलब ओव्यूलेशन होगा, और अभी यदि मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या उस अंडाणु को स्पर्म मिल जाता है कहाँ पे, एम्पुला पार्ट में, किसके एम्पुला पार्ट में, जो अंडवाहिनी होती है या जिसको फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, ये बन गया सिंपल सा, मैंने रफली डायग्राम बनाया, ये यूट्रस पार्ट होगा, ये फेलोपियन ट्यूब होगी, तो फेलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला पार्ट में यहाँ पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म दौड़ा हुआ जाएगा और पहुँच जाएगा किस पार्ट में, यहाँ पे एम्पुला पार्ट में पहुँच जाएगा, और यहाँ से समझो कि ये फिम्ब्रिया हो गई और ये ओवरी, ठीक है, इस ओवरी से ओवम जाएगा क्योंकि अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन हो जाता है 14 डेज के ऊपर, तो 14 डेज पे ये अंडाणु जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में रुक जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब में जैसे ही स्पर्म आएगा दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन बोलते हैं, तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन हो के ये यहाँ पे यूट्रस में आके यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो याद रहे रोपण कहाँ पे होता है, याद रहे रोपण यूट्रस में होता है, रोपण कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन एम्पुला पार्ट पे होता है, ये एम्पुला पार्ट है किसका, ओविडक्ट का, इसको ओविडक्ट बोल सकते हैं, अंडवाहिनी बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे याद रहे क्या ऑप्शन क्या था कि अंडोत्सर्ग किसके द्वारा होता है, कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो कि अंडोत्सर्ग करवाता ओवुलेशन कराता है, याद रहे स्पेशली मैं बात करूँगा तो ओनली मैं बोलूँगा LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली LH नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है LTH, ADH, LH, FSH, LH, LTH, TSH, तो यहाँ पे FSH और LH तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH हार्मोन फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के प्रभाव से मोस्ट ऑफ, यदि नाम बोले एक तो किसका नाम बोलेंगे, LH का बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम बोलेंगे, और यदि दोनों की बात करेंगे तो FSH एंड LH की बात करेंगे, दोनों को एक वर्ड में बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में दोनों हार्मोन आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं LH और FSH, LH एंड FSH विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर जो लोब होता है उससे, अग्रपाली होती है उससे सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ से LH और FSH बनता है, और LH एंड FSH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैंने बताई दिया आपको, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, FSH एंड LH, तो इस क्लास में हमारे ये सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज का अपना ये सेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है, तो ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी के साथ इस क्लास की यही समाप्ति करते हैं, ओके, थैंक यू।